हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निवान गौतम और फौजी गौतम। सो गाइस, आज निवान बोलते कि फौजी गौतम, पर आज मम्मी बोल रही है और फौजी गौतम, क्योंकि गाइस आज हम दोनों बना रहे हैं एक प्लान। आज है 1 अप्रैल और हम बनाएंगे सबको अप्रैल फूल। हमारे घर में जो भी सबका आज अप्रैल फूल बनाएंगे हम। और तो मम्मी गाइस को हम ना साथ साथ बताएंगे कि हम किस पे कैसे अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। हम दोनों का प्लान बन चुका है भैया। सो गाइस, हम फर्स्ट प्रैंक करने वाले हैं, मतलब अप्रैल फूल बनाने वाले हैं निवान को। ओके मम्मी, ठीक है। सो गाइस, हम अप्रैल फूल में क्या करेंगे हम आपको साथ साथ बता देंगे, पर चलते हैं सबसे पहले हम सेटअप की तरफ। सो गाइस, फाइनली हम निवान पे भी प्रैंक करने के लिए रेडी हो गए हैं अप्रैल फूल का। हमने ये तो स्टूल के बीच में बाल्टी रखी है पानी की भर के, हम इस पे बैठेंगे और निवान को पता नहीं चलेगा। हम इसको चद्दर से कवर कर देंगे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। चद्दर से कवर कर दे दुल्हन की फाइनली इसके पापा के ऊपर प्रैंक करने का टाइम भी आ गया है। हम इसके पापा को भी आज अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है पापा को उल्लू बनाने में निवान तो। सो गाइस, इसके पापा को हम पापा को अप्रैल फूल इस तरीके से बनाने वाले हैं। ये मेरा फोन है, इसके पापा को मैं फोन करके ये बोलने वाली हूँ कि मेरा आईफोन मार्केट में मिसप्लेस हो गया है। तो गाइस, मेरे पास दो फोन है, तो मैं ये बोलूंगी कि मेरा ये आईफोन वाला फोन मिसप्लेस हो गया है और ये एक छोटा फोन है जो टेम्परेरी मैंने अपने पास रखा हुआ है। मैं इसमें अपनी सिम डाल लूंगी और जिससे मैं इसके पापा को भी बोलूंगी वो मिसप्लेस हो गया और कहाँ हुआ है मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो देखते हैं उसके पापा का क्या रिएक्शन आता है। देखते हैं, मजा आएगा पापा को उल्लू बना के। तैयार बेटा, तैयार कोई हमने जंग लड़ने थोड़ी ना जाना है। तैयार हो गए और तैयार हो गए। थोड़ा क्या करेगी, जैसे इंजान के पास खोए मम्मी का फोन, इस सैंकी चैत्री का कहने का मेन मतलब है अभी सैंकी पे रख के वो अनजान पर्सन मैं ही बनूंगी थोड़ी सी वॉइस को चेंज करके। तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। बताओ कहाँ जा रहे हैं जंग लड़ने। निवान को तो ये लग रहा है गाइस हम तो कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं।
सो गाइस फाइनली अब इसके पापा को मैं फोन करने वाली हूँ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। आई होप डांट ना पड़े, मैं तो बेइज्जती हो जाएगी। हेलो हाँ जी, कहाँ पे? चलो यार एक मिस्टेक हो गई मेरे से यार, वो दूसरा वाला फोन पता नहीं बाजार गई थी कहीं बच्चों के साथ, दूसरा वाला फोन कहीं पे गिर गया या पता नहीं कहीं छूट गया, क्या हुआ? जो आईफोन है गोल्डन वाला वो हाँ मतलब हाँ कहीं गिर गया, मैं ढूंढा मुझे अब कहीं गिर गया या कहीं छूट गया किसी शॉप पे ये नहीं पता। अब पता है मैं फोन कर रही हूँ तो कोई आदमी फोन उठा रहा है। अरे मार्केट में थोड़ा सा सामान ही देखने गई थी ऐसे बच्चों को लेके, मैंने कहा अब वो मिल नहीं रहा मुझे फोन, मैंने जिस शॉप पे भी गई थी वापस भी गई वहाँ पे। तो यार ये कोई तरीका तो ना, इसलिए लापरवाही करते हो यार तुम, तो ऐसे बोल रहे हो यार, जानबूझ के गुम किया मैंने, हो गया मुझे आधा एक घंटा हो गया उसे ढूंढते हुए। फोन मैं बता तो रही फोन किया है, कोई आदमी फोन उठा रहा है तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो थोड़ी सी बात मतलब समझ भी नहीं आ रही, फिर मैंने फोन काट दिया। यार मैं क्या करूँ बोलो ना मुझे, अब मैं फोन का करूँ करके, तुम एक बार बात करो एक बार है, मैंने फोन किया था एक बार किया तो उठाया नहीं, दूसरी बार किया तो उठा के ना काट दिया, करके देखो कोई मुझे नहीं पता यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गिर गया। अब एक बार देखो तुम फोन करके देखो, ठीक है मुझे बताना फिर। मेरे को तो लग रहा है कि यार मुझे अच्छी खासी डांट कितने वाली है, फोन निवान को पता नहीं क्या हो जाता है, निवान बस फोन कंट्रोल, फोन मिल भी जाएगा तब भी डांट पक्की है बीबी, फोन नहीं मिलेगा तब भी डांट पक्की है, ऐसे पापा की नजरों में बाकी सारे फोन है। चलो देखते हैं गाइस, वो इस पे फोन करेंगे, इस वाले फोन पे फोन करेंगे वो चेक करने के लिए, मैंने उन्हें बोला है अब उनका फोन आता है, मैं थोड़ी सी वॉइस चेंज करके अगर उल्लू बना पाती हूँ, नहीं तो मेरा ही उल्लू बन जाएगा तो ये सब आपको पता चल जाएगा, तो मैं इस पे ये हैंकी रख के ना उनको उल्लू बनाने की कोशिश करती हूँ कि कोशिश सफल होती है या नहीं। हमारे आ गया गाइस फोन आ गया, इसके पापा का फोन आ गया। चुप चुप निवान बोलना नहीं है बिल्कुल, चैत्री चुप निवान बिल्कुल चुप, फिंगर रखो लिप्स पे चैत्री, फिंगर रखो लिप्स पे, गाइस मैंने फर्स्ट टाइम तो काट दिया ताकि तूने थोड़ा सा लगे, अब देखती हूँ उनका फोन दोबारा आता है तो मेरे को तो बात करते भी डर लग रहा है। निवान बोलना नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा कि हम पापा को प्रैंक नहीं हम उल्लू बना रहे प्रैंक बना रहे। अब देखते हैं गाइस दोबारा फोन आता है या नहीं आता, आई होप आ जाए। वेट करते हैं, बजो कोई तो बजो। नहीं बजता, दिल की धड़कन घूम 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 पर मारने की तरह पट रही है। प्रैंक कर तो रहे हैं हम दोनों माँ बेटी, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है। पता चले कि पापा घर आए और हमारी तरफ बिजली के बम की तरफ बरस जाए हम पे, डर ही लग रहा है। मैं तो गाइस मैं तो बोल दूंगी कि निवान ने बोला था पापा को उल्लू बनाने के लिए, मैं तो बोल दूंगी मैं पूरे टाइम घर पे थी। हाँ नहीं गाइस निवान ने बोला था, मैं फुल टाइम घर पे नहीं होंगी, ये कि बोलूंगी मैं जाऊंगी कहाँ। गाइस फिर से आ गया इसके पापा। चुप 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 चुप
पे। हेलो हेलो भाई साहब, आपने फोन किया, बताओ कौन बोल रहे हो? भाई साहब मुझे तो ये कहीं रास्ते में गिरा हुआ मिला था। अब भाई साहब अब ये अब मेरा अब मुझे मिला है तो ये मेरा फोन हो गया। तो भाई साहब अब ये मेरा मुझे मिला तो मेरा ही होगा ना। पुलिस केस कर रहा है ये पापा भाई, मैं इनको नहीं कर रहा, ये प्रैंक रूम भैया। ओ भाई गॉड, भाई अब क्या करें? ओ भाई मैं तो फोन ही कर दिया डर के मारे। मैं माफ करे, सब मुझे छुट्टी दे। गाइस अब क्या करें? निमान तो फिर झटका ही लग गया, सटपा ही लग गई, इसके ऊपर बिजली बरस गई। अब गाइस इसके पापा का फिर से फोन आ गया। अरे यार तो पुलिस कंप्लेंट की बात कर रही है। अरे चुप, बिल्कुल बात कर रहे। हेलो हाँ जी भाई साहब बोलो। भाई साहब अगर मैं सिम आपको दे दूंगा तो मैं फोन चलाऊंगा कैसे? तो भाई साहब अब नहीं भाई साहब, इतने इम्पोर्टेंट था तो आपको संभाल के रखना चाहिए था ना फोन। भाई साहब FIR की धमकी तो ना ही दीजिए आप मुझे। नहीं भाई साहब फोन तो मैं नहीं दूंगा अब आपको। भाई साहब कहीं से भी मिलाओ, आपको फोन संभाल के रखना चाहिए था ना, आपने कहाँ छोड़ दिया इसे? गाइस क्या करें अब हम? अरे रुक तो जाना, मुझे फोन करके पूछती हूँ उसका रिएक्शन, देखती हूँ क्या है। हेलो हाँ जी, फोन किया था तो बताया उसने उसको कहाँ से मिला? तो यार अब क्या करूँ, मेरे सारे कॉन्टेक्ट उसमें है, मेरे पास नंबर भी नहीं है कहीं किसी का। फिर क्या यार, मैं जानबूझ के थोड़ी ना गुम किया। अब एक तो पहले से मैं परेशान हो रही हूँ, ऊपर से अब तुम डांट रहे हो। चल ठीक,
ठीक है गाइस, मैं अपने आप को ही क्या फोन करूं। गाइस पापा को डर लग रहा है, पहले मैं कहती हूं पापा को। गाइस निवान कह रहा है अपने आप को यूट्यूब ना मारो गिर जाओ। गाइस मेरे को लग रहा है, मैंने पहले बोला था कि पापा गुस्से में आके बरसेंगे, हमें पापा बरसा देंगे पीछे। अब गाइस मैं अपने आप को ही क्या फोन करूं, क्या बोलूं अपने आप से। पापा बोलेंगे फोन तो फोन लेके तो लेके दिखा फोन। मम्मी कह रही थी मुझे नया फोन ले दो, मुझे नया फोन ले दो। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे मिर्जी के पुराने वापस ले लेंगे। क्या करे निवान, इसका आइडिया ठीक है चैत्री का। क्या करे अब हम, यही आइडिया। गाइस ये दोनों तो फिर कोई ना बच्चा कह के निकल लेंगे। मैं फंस गई इनके प्रैंक के चक्कर में, इनके अप्रैल फूल के चक्कर में मैं फंस गई। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत फंस सकती हूँ, निवान तो अंदर बैठे टीवी देखेगा। हम क्या पापा से बहुत कुछ सुनने वाले हैं आज। गाइस अब क्या करूँ, बता दूँ कि फोन मेरे पास ही है। अब मैं ये भी बताऊंगी तो भी डांट पक्की है, नहीं बताऊंगी तो भी डांट पक्की है। मैं तो बीच मजदार में फंस गई बच्चों के चक्कर की वीडियो के चक्कर में। नहीं तेरे को तो पहचान लेंगे। अभी रुको गाइस मैं बोल रही हूँ। नहीं आप छोड़ देते नहीं, 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 अभी मैं गाइस फोन कर रही हूँ। चुप, मैं इसके पापा को फिर से फोन कर रही हूँ। थोड़ी सी माँ बात करो। गाइस वो बिजी है अभी, नहीं नहीं इस पे नहीं कर रहे, इस पे कोई फोन नहीं आया अभी। अभी गाइस इसके पापा को फोन करके बोलती हूँ कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, तो लेट्स सी देखते क्या। और ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस टास्क को, नहीं तो बहुत अच्छी क्लास लग जाएगी। कैसी पिटाई हो जाती है, ऐसी पिटाई किसकी होगी मम्मा की। मर्दानी आवाज में जो अभी आपने बोला, मर्दानी की आवाज कैसे बोल रही है, मर्दानी आवाज आपने ऐसी भाई साहब। आज तारीख क्या, पापा बोलेंगे फर्स्ट अप्रैल, तो फिर आपने अप्रैल फूल बनाया, गुस्सा आया हमारा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने अप्रैल फूल बनाया। ये देखते हैं निवान, चुप निवान चुप चुप चुप। गाइस मिल गया इसके पापा का फोन, आई होप डांट ना पिटे। तो गाइस वेट करते हैं हम इसके पापा के फोन उठाने का। गाइस मिल गया इसके पापा का फोन। हेलो, आप वो मेरा फोन तो उठाया नहीं, तो तुम मारा बुक करके देखो एक बार। सो गाइस फाइनली लास्ट टाइम एक बार फिर इसके पापा को ट्राई करके पूछते हैं क्या हुआ। या फोन गाइस, हाँ जी किया फोन, एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लो यार, देख लो एक बार ही मिल जाए फोन। और अभी तो बजट भी इतना खराब है, फोन भी नहीं मिलेगा मुझे नया, नहीं तो एक बार और लास्ट टाइम ट्राई कर लो देख लो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ जानबूझ के छोड़ी ना किया है। ठीक है ठीक अब देखते हैं लास्ट सी गाइस, देखते हैं इसके पापा का रिएक्शन। गाइस इसके पापा का फोन आ गया, अब लास्ट टाइम पोल खोल ही देते हैं नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा गुस्सा।
हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मैं फोन का पानी भर रहा हूँ जिससे आप बात कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ का फोन है, तो प्लीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मेरा फोन वापस दे दो। हेलो, अब भाई साहब अब फोन मैं आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा? मेरे पास फोन नहीं है भाई साहब। भाई साहब मैं आपको नया फोन दिला दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपको आपको दूसरा फोन दिला दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। बस मेरे को ये फोन चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं इसको फोन को ब्लॉक करा दूंगा आप इसको यूज भी नहीं कर पाओगे। अरे भाई साहब आप तो सीरियस हो गए। अरे भाई साहब आप तो सीरियस ही हो गए। कितने इम्पोर्टेंट है नंबर? अच्छा भाई साहब फिर आज ये बताओ पहले आज आप तारीख क्या है? तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा है अप्रैल फूल बनके? अप्रैल फूल बनाया पापा हमने आपको। कैसा लगा तुम्हें ये मेरा मजाक? हमने अप्रैल फूल घटिया। हमें तो बहुत मजा आया। पापा गुस्सा हो गए गाइस, फोन काट दिया गाइस, लिटरली पापा गुस्सा हो गए। एक बार फोन करते हैं हम, नहीं तो एक बार फोन करते हैं नहीं तो इसके पापा का तो पता नहीं, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। फोन करते हैं एक बार, ये तो हम भी बढ़ जाएगा भारी प्रैंक। नहीं तो गाइस इसके पापा को फोन मिलाते हैं, उन्होंने तो फोन काट दिया गुस्से में। यार ये तो कोरोना का ही लेक्चर चल रहा है अभी। सुनिए आप भी सुनिए। ये चैत्री आपको करके बता रही है। निवान को क्या हो गया? मिल गया फोन गाइस, मिल गया। हां जी क्या हुआ? अरे तो अप्रैल फूल है, आज फर्स्ट तारीख है, फर्स्ट अप्रैल है, तो हम अप्रैल फूल भी ना बनाए? तो अब तुम्हें ही तो फूल, अब तुम्हें ही तो फूल बनाएंगे और किसको बनाएंगे? बना तो लिया, मजा आया, मजा भी हमने लिया लेकिन डर डर के लिया। तुमने बीच में पुलिस वेरिफिकेशन भी डाल दी, वो सब कुछ डाल दिया, हमें तो अपना ही डर लगने लग गया कि हमारा ही ना अप्रैल फूल बन जाए। हम पता कितने डर गए थे आपके लिए, मैं पुलिस में बोल दूंगा पुलिस ही नहीं मिलवाएगी आपसे। अच्छा चलो कोई नहीं, मजाक के वे में लो इसे, सीरियसली मत लो, कोई बात नहीं। मैं अपना फोन कहीं गुम कर सकती हूँ, ये चटर मटर को कहीं गुम कर सकती हूँ, फोन तो मैं वैसे मच्छर था। अच्छा मुझे लगा आप मम्मा को मार रहे हो। चलो ध्यान से अच्छा चलो ठीक है गाड़ी चला लो, ठीक है ओके बाय। गाइस आप भी ऐसे किसी पे प्रैंक मत कीजिएगा, हमने भी करके बहुत गलत किया है, हमने सॉरी भी बोल दिया। तो गाइस आप भी ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि आपने देखा पापा का रिएक्शन, वो कितना टेंशन हो गया। मजा तो बहुत आया था मजे के लिए, ठीक है बट हमें ये नहीं करने वाला। आपको मजा आया पापा को ये बता दी? गाइस मजा तो बहुत आया, ये आ गया निवान भी,
ठीक है कभी कभी चलता है गाइस, थोड़ा बहुत चलता है, बाकी फिर भी गाइस छोटा ही मजाक करना, ज्यादा लंबा मत खींचना किसी भी मजाक को। किया कोई गट्टे की चोट लग गई, तेज ऐसे वाले प्रैंक अच्छा नहीं लगता गाइस। मुझे तो लास्ट में तो फाइनली खुद ही डर लगने लगा था कि मैं अपने प्रैंक में खुद ही ना फंस जाऊं। हाँ। क्योंकि इसके पापा तो कहने लगे थे मैं पुलिस कंप्लेन कराने वाला हूँ। ओ माँ, पुलिस कंप्लेन होती तो मैं ही फंस जाती, अपने ही फोन को चोरी करने की उसमें मैं ही फंस जाती। So guys, हमने प्लान तो ये बनाया था कि मैं और चैत्री सबका अप्रैल फूल बनाएंगे, और जो हमने बना भी दिया। ट्विस्ट हम क्यों ना ये ट्विस्ट लाए अपने वीडियो में। अच्छा गाइज, निवान का डॉलर आपको हेलो कह रहे हैं। आपने हेलो बोली गाइज को? आपके साथ प्रैंक हुआ, आपको अच्छा लगा? So guys, ट्विस्ट ये है वीडियो में। हाँ गाइस, फौजी गौतम और निवान गौतम। सो गाइस, ट्विस्ट ये है वीडियो में कि जो सबके साथ प्रैंक करती है, इवन मेरे साथ भी इसने बहुत गंदा वाला प्रैंक किया था। अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो देख सकते हैं प्रैंक ऑन मॉम में, आप मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप जरूर देखिएगा। अब ये ट्विस्ट ये है कि हम चैत्री के साथ ही प्रैंक करेंगे। हाँ, जो सबके साथ करती है ना, आज हम उसके साथ प्रैंक करने वाले हैं। ये ट्विस्ट है इस वीडियो में। सो आई होप हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए, नहीं तो हमारी बेइज्जती है फिर तो। क्यों निवान, दीदा के साथ करें मजा है? चलो लेट्स सी। सो गाइस, चैत्री के साथ हम ये प्रैंक करने वाले हैं। चैत्री को हम ये बोलेंगे कि चैत्री आपके स्कूल रीओपन हो गए हैं, जिसमें आप सबको पता है कोरोना के बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए, कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने स्कूल लाइफ को मिस करके। सो उसके साथ ये मैं प्रैंक करने वाली हूँ कि उसके स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है अपने स्कूल खुलने के लिए। कोरोना को तो उसको कुछ पता ही नहीं है, बस स्कूल खुल जाए, स्कूल खुल जाए। हाँ जी बेटा। गाइस, निवान डॉलर आपको फिर से हेलो कह रहे हैं। हेलो। तो गाइस, अब मैं निवान चैत्री, सॉरी, ठीक है ठीक है। सो गाइस, मैं चैत्री को अब ये बोलने वाली हूँ कि उसके स्कूल से मैसेज आया है कि स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, अपनी तैयारी कर लो, ड्रेस वगैरह निकाल लो। तो देखते हैं चैत्री का क्या रिएक्शन है। ठीक है गाइस, लेट्स सी। तो गाइस, अब हम चैत्री को बुलाने वाले हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है। ठीक है निवान? चैत्री। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? टीवी देख रही हूँ। इसके सिवा कोई और काम है? टीवी 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 नहीं, नहीं है। स्कूल से मैसेज आया मैडम का, आपकी क्लास टीचर का, क्या स्कूल खुलने वाले हैं आपके? हाँ जी। क्या मैसेज? मैसेज आया, मैंने देखा है, क्लास टीचर का मैसेज आया कि स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन स्कूल से मैंने भेजना तो है नहीं, कोरोना चल रहा है। चैत्री, कोरोना देख लो कितना चल रहा है। नहीं, मेरे को नहीं पता। आप स्कूल में तो पूरी प्रिकॉशन तो यूज करोगे, नहीं सैनिटाइज। मैं दो चार मास्क लपेट के घर पे इतने सारे ग्लव्स पहन लूंगा, बस सैनिटाइजर प्रॉपर यूज करेगा। पानी की वजह सैनिटाइजर ले लूंगी। लो, पानी की जगह सैनिटाइजर के लिए। पर मुझे स्कूल जाना है बस। बेटा अभी दो साल स्कूल नहीं जाना है। दो साल तो नहीं, पहले आप कहते मेरे मम्मा छुट्टी कर लो छुट्टी कर लो। अब बस स्कूल जान दो जान दो। चलो अपने बैग और ड्रेस निकाल लो, और अपने वो बैग में बुक्स वगैरह रेडी करो। चलो कल से स्कूल जाना है आपने? कल से? हाँ कल से। आपने क्या आपने क्या सोचा कल से जाने? सोचा मरने से नहीं, कल से। कल से ठीक, चलो जल्दी। गाइस देखते हैं चैत्री का रिएक्शन हम आगे। सो गाइस देखते हैं चैत्री क्या कर रही है, मैंने उसे बोला तो है। हाँ क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या कर रही है? आपको कंफर्म है ड्रेस इसमें है? क्योंकि मुझे याद नहीं है ड्रेस आपकी किसमें है। पर हाँ, मेरे किसी बैग में रखा है। ड्रेस आपको पता है आपने किस बैग में रखी है अपनी? नहीं
क्योंकि 1.5 साल से मुझे तो याद नहीं है कि आपकी ड्रेस कौन सी। तो मेरे से तो उतरेगा नहीं, सॉरी। आप अपने आप स्टूल लेके आओ, मैं नहीं ले उतार सकती भारी। गाइस एक्साइटमेंट, गाइस एक्साइटमेंट देख रहे हो इसकी। गिर मत जाइयो, दीवार में कहां घुस रही है चैत्री। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी अगर गिर गए तो। वापिस ऊपर भी आपको ही रखना है। है इसमें तो सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। सर्दियों के कपड़े हैं इसमें। हाँ। तो याद करो कहाँ है। हाँ हाँ। अलमारी में देखो आप। क्या है? अलमारी में देखो आप पहले सही से। हाँ। नहीं, नहीं। बैग में तो नहीं। उस वाले बैग में तो सारे निवान के कपड़े हैं। चैत्री मुझे एक्साइटमेंट नहीं है स्कूल जाने की। कोई बात नहीं, आपको एक्साइटमेंट तो वो भी जब मेरे से छुटकारा मिलेगा, मतलब स्कूल जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मैं देखती हूँ बेड में ना हो, अगर होती है तो मैं आवाज देती हूँ। ठीक है निवान आओ, आओ निवान हम चेक करें। निवान को गाइस सब पता है, सारी नौटंकी कर रहा है ये, इसको सब पता है कि हम इसका उल्लू बना रहे हैं हम चैत्री का। सो गाइस चैत्री को तो मैं ये बोल के आई हूँ कि मैं अंदर बेड में उसकी ड्रेस, स्कूल की ड्रेस देख रही हूँ, बट इन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया था, मेरे कितने सारे बाल टूट गए थे। आज वही प्रैंक मैं चैत्री के साथ करने वाली हूँ। मैंने दरवाजे पे ये टेप लगा दी है, अगर आपको दिख रही हो तो, ये दरवाजे पे पूरी टेप लगा ली है। चैत्री वहां से आएगी एक्साइटमेंट में, अभी भागती हुई, अभी मैं उसे बोलूंगी ड्रेस मिल गई है, वहां से आएगी उस कपड़े से भागती हुई। तो लेट्स सी, देखते हैं उसे ये पता चलता है या नहीं पता चलता है, या उसका भी प्रैंक मेरे जैसे ही होता है, जैसे उसका, जैसे मेरा हुआ था उसका भी देखते हैं वैसे ही होता है या नहीं होता। निवान, निवान आप रेडी हो? आप रेडी हो? है मजा आएगा है? तो गाइस को बोल दो फिर कमरे में जाकर बटन दबाना था इसकी लैंग्वेज में, बट आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना। सो गाइस चैत्री वहाँ पे उस कमरे में अपनी ड्रेस ढूंढ रही है। मैंने, इन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया था जिसमें मेरे बहुत सारे बाल टूट गए थे, आपने देखा होगा वो प्रैंक, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो आप जरूर देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे टेप चिपका दी है दरवाजे पे, आपको दिख रही है, क्लोजअप कर देती हूँ मैं, ये देखिए। चैत्री को मैं आवाज देने वाली हूँ कि चैत्री आपकी ड्रेस मिल गई है बेड में से। तो चैत्री उस कमरे में से, वो अपनी अलमीरा में चेक कर रही है, ढूंढ रही है बैग में कि उसकी ड्रेस कहाँ है, वो वहां से एक्साइटमेंट में भागती हुई आएगी और वो मैं चाहती हूँ यहाँ आके पूरी चिपकली की तरह चिपक जाए तो मजा आए। तो जो इस सप्ताह साथ प्रैंक करती है ना, इसके साथ प्रैंक को बड़ा मजा आएगा। निवान आप रेडी हो इस प्रैंक में? निवान मेरे साथ है, निवान आप रेडी हो? गुस्सा क्यों बोल रहे हो? अच्छा तो गाइस को बोल दो। क्यों, आपने गाइस से बात नहीं करनी? अच्छा इसे बुरा लग रहा होगा, इसकी दीदा के साथ प्रैंक हो रहा है। तो लेट सी गाइस, मैं चैत्री को आवाज देती हूँ, चैत्री का रिएक्शन और सब कुछ देखते हैं हम, ठीक है गाइस? सो गाइस फाइनली हम चैत्री को आवाज देने वाले हैं। अच्छा गाइस निवान बंटू करेगा और चैत्री को हम आवाज देंगे। 1, 2, 3 चैत्री बेटा ड्रेस मिल गई आपकी, इधर बेड में ड्रेस आपकी मिल गई है। मेरे इमोशन के साथ खेल रहे हैं,
खुश हो गई थी, स्कूल खुल गया, मैं एक दिन तो घर आने वाली थी नहीं। अच्छा तो एक दिन पूरा स्कूल में स्टे कर रही थी। अगले दिन झाड़ू पोछा सारा आप कुछ यही करके आएगी। हाँ सच बात है ध्यान। हाँ सारा सब कुछ यही फॉलो करेगी गाइस, ठीक है गाइस। कितनी खुश हुई थी मैं स्कूल खुल गए मेरे। चलिए जी गाइस, आपको चैत्री का इमोशन होना, चैत्री का अप्रैल फूल बन जाना और हमारे निवान का इस प्रैंक में साथ। सो गाइस आपको चैत्री के इमोशंस अच्छे लगे हो, चैत्री का छिपकली बन के चिपकना अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैत्री कैसा लग रहा है अपने साथ प्रैंक होके? अप्रैल फूल बनके कैसे और लग रहा है? अप्रैल फूल बनके मेरी इमोशनल के साथ खेला गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है माय लॉर्ड। स्कूल जाने की तारीख पे तारीख मिल रही है। इंसाफ नहीं मिल रहा। तो गाइस इंसाफ आप दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इनको एक्साइटेड कीजिएगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। सो आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।